Good morning, students. This is your lecture 34 of Concrete Technology. So if you remember, last class we were studying about mixing, right? And in mixing, particularly, there are two type of mixing. There is manual mixing, that is hand mixing, जो कि हमने देखा था last class, right? Hand mixing, और हमने बहुत पहले जब हमने compaction factor test का video टेस्ट वीडियो दिखाया था, तो उसमें मैंने मैनुअल मिक्सिंग कैसे करते वो भी दिखाया था, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल मिक्सिंग, और उसको क्या बोलते हैं, दूसरा मशीन मिक्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ होता है, एक हम हाथ से मिक्स कर सकते हैं मैन्युअली। मैन्युअल मतलब क्या है, कोई भी चीज़ खुद करना, मतलब विदाउट एनी मशीन, खुद अपने हाथों से करना, लोग लेबर से करवाना, उसको हम मैन्युअल बोलते हैं। मैकेनिकल मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पर हम मशीन यूज़ करके करवाते हैं, ठीक है। सो मैनुअल मिक्सिंग हमने देखा था लास्ट क्लास, हमने पढ़ा भी था मैनुअल मिक्सिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल मिक्सिंग यानी कि मशीन मिक्सिंग, ठीक है। सो लेट अस सी दिस, ये चैप्टर जो ये प्योरली थियोरेटिकल है, और इसमें कोई मतलब जो भी पॉइंट्स दिया है एक्चुअली सब एक यू कैन से इट इज़ लाइक अ नरेशन ओनली, मतलब आप पढ़ते जाओगे, तो इसलिए मैंने ये जितना भी टेक्स्ट बुक है मैं टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा रही हूँ बिना नोट बनाए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पॉइंट्स दिया है सब मतलब इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो हम पढ़ते जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे, उसे क्या होगा बाद में आप जब पढ़ोगे टेक्स्ट बुक से कहीं से भी तो आपको भी आसान होगा। लेट अस सी, द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन्ग्रीडियंट इज डन विद डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑब्वियसली जो जो मिक्सचर्स है, जो जो अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स कॉन्क्रीट का है, वो अलग अलग जो जो है उसके हिसाब से अवेलेबल, जो जो अवेलेबल है उसके हिसाब से हम मिक्स करेंगे। द मशीन यूज फॉर मिक्सिंग कॉन्क्रीट, ठीक है, इज टर्म्ड एज कॉन्क्रीट मिक्सर, ठीक है। मिक्सर आपको पता ही होगा, इट्स अ मशीन दैट इज यूज फॉर मिक्सिंग द कॉन्क्रीट, ओके। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मिक्सर्स है, टू टाइप ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सर्स आर कॉमन इन यूज। एक है आपका कंटिन्यूस मिक्सर, दूसरा है आपका बैच मिक्सर, ठीक है। अब कंटिन्यूस मिक्सर क्या है, जैसे द वर्ड सेज कंटिन्यूस, यानी कि ये कंटिन्यूसली बिना कोई स्टॉप करे कंटिन्यूसली ये मिक्सर जो है वो मिक्स करते ही रहेंगे। सो सी गाइज, लाइक जितना भी डेफिनेशंस है ना यहाँ पर, कोई कोई डेफिनेशन तो आपको डेफिनेशन ही आपको आंसर देता है कि क्या है कंटिन्यूस मिक्सर, ठीक है। तो जैसे कंटिन्यूस मिक्सर बोल रहा है उसका मतलब है कि वो ये मिक्सर है जहाँ पर वो कंटिन्यूसली मिक्स करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस मिक्सर्स आर एम्प्लॉयड इन मैसिव कंस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटिंग वर्क, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन हुआ, बड़े बड़े रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए हम, मैसिव कंस्ट्रक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। वेयर अ लार्ज एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट इज डिज़ायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड मिक्सिंग इज मोर और लेस ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कैसे जगह पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर लार्ज एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट चाहिए, ठीक है, फॉर फीडिंग, यानी कि ये ऐसे जैसे मतलब ये मिक्सर में क्या होनी चाहिए कि कंटिन्यूस फीडिंग होनी चाहिए। फीडिंग मतलब कंटिन्यूस इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको भर लगाती जाना है, मतलब अगर मानो ये आपका मिक्सर है, लेट अस से ये आपका मिक्सर है फॉर एग्जांपल, तो इसमें बिना ब्रेक के कंटिन्यूसली भरते ही जाएंगे वो मिक्स होते ही जाएंगे, भरते जाएंगे, मिक्स होते ही जाएंगे, फिर उसके बाद मतलब उसमें कोई स्टॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब वही है कि प्रोसेस ऑफ फीडिंग, फीडिंग मतलब कॉन्क्रीट, फीडिंग मतलब इंग्रेडिएंट्स को लगाना, इंग्रेडिएंट्स भरना मिक्सर के अंदर, वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए, और मिक्सिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। द मशीन रिक्वायर्स केयरफुल सुपरविजन सो एज टू ऑब्टेन द कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ डिजायर्ड कंसिस्टेंसी, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैंने बताया कि इसमें कंटिन्यूसली फीड होता है इंग्रेडिएंट्स, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मन का है हम वही लगा लेंगे, जो अब मन किया सीमेंट अब सीमेंट अब वाटर, इतना ऐसा नहीं है। हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अपना क्या, अपना मिक्स डिज़ाइन, है ना। अपना मिक्स डिज़ाइन में क्या बोलते हैं, अगर मानो मिक्स डिज़ाइन बोलते हैं सीमेंट इज टू सैंड इज टू कोर सेग्रीगेट का रेशियो 1:1:2 होनी चाहिए, तो वही रेशियो ध्यान में रख के प्रॉपरली सुपरवाइज करके ही आपको वो मिक्सर के अंदर डालना है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है।
मतलब मिक्सिंग कंटिन्यूस होगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रख के डालनी होनी चाहिए। इसीलिए सुपरविजन, केयरफुल सुपरविजन होना ज़रूरी है, ठीक है, टू ऑब्टेन द कॉन्क्रीट ऑफ मिक्स डिजायर्ड कंसिस्टेंसी। नाउ द अदर टाइप, ये है आपका कंटिन्यूस मिक्सर, ठीक है। द अदर टाइप ऑफ मिक्सर जो है वो है आपका बैच मिक्सर। अब बैच मिक्सर क्या है? जस्ट लाइक द डेफिनेशन सेज, जस्ट लाइक द वर्ड सेज, बैच मिक्सर, इसमें क्या होगा? इसमें मिक्सिंग होगा, लेकिन इसमें बैच बाय बैच मिक्स होगा। यानी कि इसमें कंटिन्यूसली मिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैच डाला, ठीक है, एक एक सीमेंट, मानो सीमेंट 50 किलो, वाटर 35 ग्राम, 35 लीटर, एग्रीगेट्स आपने डाला ऐसे ही 60 किलो, जो भी डाला आपने डाला, एक बैच पूरा डाला, सैंड डाला, उसको अच्छे से मिक्स होने देंगे, मिक्सिंग ख़त्म होके उसके निकालेंगे, रेडी करेंगे फ्रेश कॉन्क्रीट, फिर उसको गैप देंगे, फिर दूसरा बैच मिक्स करेंगे, ठीक है। यानी कि बैच मिक्सर में क्या होता है? बैच बाय बैच मिक्सर होता है, ना कि कंटिन्यूस। जैसा कंटिन्यूस में कंटिन्यूसली होता था बिना मशीन को स्टॉप करें, यहाँ पर एक बैच तैयार होगा, फिर दूसरा बैच, फिर तीसरी बैच। ओके, सो द बैच टाइप ऑफ मिक्सर मिक्सेस एंड डिस्कार्ड्स ईच लोड ऑफ मटेरियल सेपरेटली, ठीक है। आपने देखा यहाँ सेपरेटली मिक्स होगा, एक बैच फिर दूसरा बैच अलग से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैच मिक्सर, भी दो टाइप का है, एक है टिल्टिंग मिक्सर और एक है नॉन टिल्टिंग मिक्सर, ठीक है। अब देखते हैं ये टिल्टिंग मिक्सर किसको बोलता है। ये भी जस्ट एज द वर्ड से टिल्ट, टिल्ट मतलब क्या है? टिल्ट मतलब कोई भी चीज़ जो अपने एक्सिस के बाहर से टिल्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा टाइप ऑफ मिक्सर तो देखा ही होगा, इसमें क्या होता है? देखो ये वाला, आप ये मिक्सर आप हर कोई भी डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, राइट। इसका फिक्स, इसका एक्सिस जो है इसका फिक्स नहीं है, मतलब ये इसी, आपने देखा होगा ऐसा वाला ड्रम, ये इसी डायरेक्शन में आप इसको इस साइड भी घुमा सकते हो, कहीं भी घुमा सकते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो घूम सकते हैं। तो टिल्ट मतलब इट कैन रोटेट। सो टिल्टिंग मिक्सर मतलब क्या है? टिल्टिंग मिक्सर वो मिक्सर है जिसका डायरेक्शन ऑफ मिक्सर मिक्सर जो है वो हम टिल्ट कर सकते हैं, वो हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी नाउ, इट हैज़ अ कॉनिकल ड्रम विच रिवॉल्व्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजोंटल, ठीक है। तो दिस इज़ योर कॉनिकल ड्रम, इसको हम बोलते हैं कॉनिकल ड्रम क्योंकि ये सिमिलर टू कॉन कोन शेप है, और इट हैज़ अ एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस आपको पता है ना, इफ दिस इज एक्सिस, लेट मी ड्रॉ, अगर ये इसका एक्सिस है, ठीक है, तो ये एक्सिस कितना? ऑलमोस्ट 50 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, 50 डिग्री, यानी कि आप ये ड्रम जो है, एक्सिस क्या होता है? एक्सिस हमेशा वो सेंट्रल लाइन होता है जो पास होता है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अच्छे से रोटेट हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है? द ड्रम कैन बी ब्रॉट इन टू डिफरेंट पोजिशन फॉर चार्जिंग मिक्सिंग एंड डिस्चार्जिंग। अभी मैंने बताया ये ड्रम में क्या है, इसमें हम अलग अलग डायरेक्शन में इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते, तो इसको अलग अलग पोजिशन में ला सकते, मेनली चार्जिंग करने के लिए, ठीक है, मिक्सिंग करने के लिए और डिस्चार्ज, डिस्चार्ज चार्जिंग मतलब फीड करना, चार्जिंग मतलब इंग्रेडिएंट्स को डालना, मिक्सिंग करना, फिर डिस्चार्ज मतलब जब आपके कॉन्क्रीट के इंग्री पूरा फ्रेश कॉन्क्रीट रेडी हो जाएगा तो हम उसको निकालेंगे, तो उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। इन स्मॉल मिक्सर्स द मटेरियल्स आर चार्ज डायरेक्टली एंड इन मिक्सर्स ऑफ लार्ज कैपेसिटी लोडिंग स्किप्स आर यूज, ठीक है। अगर स्मॉल इंग्रेडिएंट है तो ऐसे ही मतलब मैन्युअली डालेंगे कोई शॉवल के साथ या कोई ट्रे के साथ, लेकिन अगर लार्ज कॉन्क्रीट है तो हम लोडिंग स्किप वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। द हॉपर फीड्स द इंग्रेडिएंट इन द ड्रम ऑन वन साइड। सो क्या होगा इसमें? बेसिकली देखो ये आपका इलेक्ट्रिस, ठीक है, ये आपका ये सब वाला मिक्सर हम टिल्टिंग मिक्सर बोलते हैं, इसका ड्रम है, ठीक है। इसमें आपका हैंड व्हील है, ये हैंड व्हील हम क्यों यूज़ करते हैं? ये ड्रम को रोटेट करने के लिए। अब जब मिक्सिंग करता है तो आपने देखा होगा ये रोटेट करता है, राइट, इट रोटेट्स लाइक दिस, तो इसको हैंड व्हील से जब मूव करेगा तो रोटेट करेंगे। उसके साथ साथ इसके पास क्या है? हॉपर है, ये आपका हॉपर है, इसमें हम इंग्रेडिएंट्स लगाएंगे और ये इंग्रेडिएंट्स को ऊपर चढ़ाते हैं। लाइक सी, लेट अस सी एग्जांपल हियर, ये डायग्राम देखो आप,
ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये आपका मिक्सर है, यहाँ पर हॉपर है, हॉपर में हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, फिर ये हॉपर को ऊपर उठाएंगे, जैसे दिख रहा है ना आपको, ये हॉपर ऊपर ऊपर उठा तो इंग्रेडिएंट्स पूरा कहाँ गिरेगा, कॉनिकल ड्रम में गिरेंगे, ठीक है, यही बोल रहा है। द हॉपर फिट्स द इंग्रेडिएंट इन द ड्रम ऑन वन साइड, देखा, वन साइड, एक साइड पे उसको भरा। उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी, उसके बाद ब्लेड्स आर फिक्स्ड इन द इंटरनल सरफेस ऑफ रोटेटिंग ड्रम विच डज द मिक्सिंग। अब आपने देखा होगा, आपने देखा नहीं तो इसके अंदर, ये मिक्सर के अंदर क्या होता है, एक ब्लेड्स होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है आपका कॉन्क्रीट को, जब वो रोटेट करेगा तो उसको मिक्स होने में अच्छे से हेल्प करेगा, तो ये रोटेट होंगे, ठीक है, अच्छे से रोटेट होगा तो मिक्सिंग होंगे। द मिक्स कॉन्क्रीट इज जनरली डिस्चार्ज ऑन आयरन शीट, द ड्रम गोज बैक टू स्टार्टिंग पोजिशन एंड नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो, एक बार इसको अच्छे से मिक्स हो गया, इसके बाद ये वाला इसको क्या करेंगे, हम टिल्ट कर देंगे, कैन यू सी दिस डायरेक्शन, इसको हमने टिल्ट करके यहाँ टिल्ट किया, तो ये थर्ड वाला इमेज देखो, डिस्चार्ज करने के लिए हम इसको टिल्ट कर सकते हैं, पहले ये इस डायरेक्शन पे था, राइट, इस डायरेक्शन पे था, मिक्स हो गया, उसके बाद हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करेंगे, और जो भी कॉन्क्रीट मिक्स हुआ ये इसको डिस्चार्ज करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ करेक्ट कलेक्ट करेंगे और ले जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये फिर से अपने वापस पोजीशन में आ जाएंगे, फिर से ये पोजीशन में वापस आ जाएंगे, फिर आप इंग्रेडिएंट्स डालोगे, मिक्स होगा, फिर ये रोटेट टिल्ट करके दूसरा डायरेक्शन, जैसे यहाँ दिखाया है, दूसरा डायरेक्शन में करके यहाँ से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। बेसिकली इस डायरेक्शन से चार्ज होता है, मिक्स होता है, और उसको उल्टा टिल्ट करेंगे तो हम डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टिल्टिंग मिक्सर, क्योंकि इट कैन रोटेट अबाउट एंड अबाउट इट्स एक्सिस। अब फिर नॉन टिल्टिंग क्या होगा, नॉन टिल्टिंग वही होगा जहाँ पर ये टिल्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास एक फिक्स एक्सिस होगा जिसके वजह से वो रोटेट, सॉरी, वो टिल्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये है आपका नॉन टिल्टिंग ड्रम, देखो इसमें ये क्या है, इसमें फिक्स्ड एक्सिस है, ये ड्रम जो है ये आपको, आप इसको टिल्ट नहीं कर सकते, आप इसको इस डायरेक्शन पे नहीं ला सकते, ये जिस डायरेक्शन पे है ये इसी डायरेक्शन पर ही रहेगा, ठीक है, इसको टिल्ट नहीं कर सकते हम। नाउ लेट अस सी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोटरी टाइप मिक्सर, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है, इसको हम रोटरी टाइप मिक्सर भी बोलते हैं। It has a cylindrical drum revolving with horizontal axis which cannot be tilted. अभी मैंने समझा, इसके पास भी क्या है, एक cylindrical drum है, लेकिन इसका axis जो है ये fix है, यानी कि इसका axis जो है ये rotate नहीं हो सकता, मानो ये इसका axis है तो ये हम rotate नहीं कर सकते, ये जहाँ है इसका axis fixed है। It has opening on both sides, one for charging and other for discharging. So, इसका एडवांटेज क्या है, ये वाले जो था इसमें एक ही ओपनिंग था, राइट, दूसरा वाला क्लोज था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो ओपनिंग है, यानी कि एक साइड यहाँ ओपन है जहाँ से चार्जिंग होता है, जहाँ से आपका इंग्रेडिएंट्स फीड होता है, और दूसरा साइड है आपका, यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, तो बेसिकली इट हैज़ टू टाइप टू ओपनिंग, एक से चार्जिंग होगा, एक से डिस्चार्ज होगा। Water is added in sufficient quantity. Wait, okay. Let me change the point. Okay. Water is added in sufficient quantity by the water tank provided at the top. ठीक है, तो इनके इनके जैसे यहाँ देखो, कभी कभी ऐसे ऐसे ड्रम के ऊपर एक टैंक होता है, वाटर टैंक, तो वाटर जो है ये वाटर टैंक से प्रोवाइड होगा, ठीक है, और ये इसके अंदर मिक्सिंग के अंदर चले जाएंगे। For charging, a loadings keep resting on tires to avoid shock when release pack is used. ठीक है, तो charging के लिए हम क्या use करेंगे, एक loading skip use करेंगे, it's like a hopper only, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें loading skip होता है, वो लगाएंगे so that उसमें कोई shock ना हो जब लगाएंगे तो, ठीक है, उसको direct touch ना कर पाए, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ingredient यहाँ से loading हो रहा है, ये loading skip के यहाँ से इंग्रेडिएंट को ये अंदर डालेंगे। फॉर डिस्चार्जिंग फ्रेश कॉन्क्रीट शूट्स आर यूज्ड ऑन द अदर साइड, ठीक है, तो यहाँ से चार्जिंग होगा और डिस्चार्जिंग होने के लिए यहाँ पर क्या रखा है, डिलीवरी शूट रखा है, ठीक है, दिस इज नोन एज योर डिलीवरी शूट,
तो दिस इज फॉर डिस्चार्जिंग और लोडिंग स्किप इज फॉर चार्जिंग। उसके बाद ड्यू टू रोटेशन द शूट टिल्स डाउनवर्ड द कॉन्टेंट ऑफ द ड्रम आर एम्प्टीड आउट बाई मीन्स ऑफ इंक्लाइंड प्लैंक। ठीक है, तो इसमें आप देखना क्या होगा, यहाँ से चार्जिंग होगा, यहाँ मिक्स होगा अच्छे से, वो रोटेट करके मिक्स होगा। ठीक है, मिक्स होने के बाद ये जो है ये अभी लॉक्ड पोजीशन में, ठीक है, इसको हम खोलेंगे, खोलेंगे तो ये इस डायरेक्शन पे होगा। सी ये जस्ट सी दिस शूट, पहले ये लॉक पोजीशन में था। ठीक है, इसमें इसमें क्या हुआ, इसके बाद इंग्रेडिएंट डाला, इसको मिक्स किया, अब ये रेडी हो गया कॉन्क्रीट। तो इसको ये दिख रहा है, ये यहाँ से इसको टर्न कर देंगे तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, पहले हम शूट को लॉक रखेंगे, फिर शूट को ओपन करेंगे तो यहाँ से अनलोडिंग कर सकता है। ठीक है, लाइक सी यहाँ से व्हील्स टू कैरी द मिक्सर, यहाँ से व्हील्स लगा के वो निकाल देते हैं। नाउ लेट अस सी प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग मिक्सिंग। तो मिक्सिंग करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। नंबर वन, बैडली वर्न एंड बेंट ब्लेड शुड बी रिप्लेस्ड इमिडिएटली। ठीक है, तो ब्लेड्स जो होगा मिक्सर के अंदर, अगर वो ख़राब है, बहुत पुराना हो चुका है, ब्लेड्स वगैरह शेप में नहीं है, अगर वो बेंड हुआ है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। स्पीड ऑफ द मिक्सर शुड बी यूनिफॉर्म। ओके, जो स्पीड आप रखोगे वो कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म रखनी चाहिए। वाटर शुड एंटर अलोंग विद ड्राई मटीरियल्स एंड शुड टेक द सेम टाइम एज अदर मटीरियल्स टेक टू एंटर। ठीक है, तो वाटर जब एंटर करेंगे तो वो सेम टाइम में एंटर करनी चाहिए जब ड्राई मटेरियल्स मिक्स होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ड्राई मटेरियल्स मिक्स होते जा रहे हैं और वाटर टाइम से नहीं आया, तो क्या होगा, मिक्स प्रॉपर नहीं होगा। तो प्रॉपर टाइम में वाटर शुड ऑल्सो मिक्स विद ड्राई मटेरियल्स। ठीक है, और सेम टाइम में होनी चाहिए। मिक्सर शुड बी सेट अप ऑन फर्म एंड लेवल्ड ग्राउंड। ठीक है, जो आप लेवल ग्राउंड रखेगी मिक्सर, ये फर्म एंड हॉरिजॉन्टल लेवल्ड ग्राउंड होनी चाहिए। ड्रम ऑफ द मिक्सर शुड नॉट बी ओवरलोडेड। ठीक है, ऑब्वियस की बात है, उसको ओवरलोड नहीं करनी चाहिए। द एक्यूरेसी ऑफ वाटर शुड बी विद इन 5%। ठीक है, तो जब वाटर आप डालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5% गड़बड़ कर सकते, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर आपका वाटर सीमेंट रेशियो गलत हो जाएगा। वरना वाइल क्लोजिंग द डेज वर्क मिक्सर शुड बी क्लीन्ड बाई एडिंग कोर्स एग्रीगेट वाटर एंड देन रोटेटिंग इट फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स। तो लास्ट में आप उसको कैसे साफ करेंगे, लास्ट में डे ख़त्म हो गया तो उसको मिक्सर को क्लीन करने के लिए हम कोर्स एग्रीगेट यानी कि ग्रेवल डालेंगे और वाटर डालेंगे, फिर उसको रोटेट होने देंगे, तो उससे क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, तो और वाटर के साथ वो पूरे गंध जो है, जो भी कॉन्क्रीट के अंदर जो भी वेस्ट जो है वो पूरा निकालेगा और उसको 2 मिनट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली मिक्स करके फेंक देंगे, उससे क्या होगा, मिक्सर भी साफ हो जाएंगे। व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज ड्रम शुड बी इन्वर्टेड। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो ड्रम को हम इन्वर्ट करके रखेंगे, इसको हम जैसे ये वाले है, इसको हम इन्वर्ट करके बेंड करके रखेंगे सो दैट वो गंद ना हो जाए। फॉर रिड्यूसिंग एडियरेंस ऑफ सीमेंट अप्लाई ग्रीस और ऑयल आफ्टर क्लीनिंग द ड्रम। ठीक है, सो एडियरेंस मतलब क्या है, चिपकना। ठीक है, तो क्या होता है, सीमेंट कभी कभी मिक्सर में चिपक जाता है ना मिक्सिंग के टाइम पे, तो वो ना होने के लिए क्या करेंगे, हम ऑयल और ग्रीस लगाएंगे। ठीक है, ड्रम क्लीन, ड्रम को क्लीन करने के बाद अच्छे से ग्रीस और ऑयल लगाएंगे सो दैट सीमेंट जो है वो चिपकेगा नहीं। एडवांटेजेस ऑफ मिक्स मशीन मिक्सिंग क्या है, द मशीन मिक्सिंग इज मोर एफिशिएंट एंड गिव्स अ यूनिफॉर्म मिक्स। ठीक है, ऑब्वियस बात है, अब मशीन मिक्स कर रहा है तो ज़्यादा करेक्शन, ज़्यादा एफिशिएंट होगा और यूनिफॉर्म मिक्स मिलेंगे, एंड इट कैन बी यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिक्स इकोनॉमिकली। ठीक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन टिल्टिंग मिक्सर एंड नॉन टिल्टिंग मिक्सर। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ईजी है। टिल्टिंग में क्या होता है, उसका एक्सिस जो है वो फिक्स नहीं रहता, उसको टिल्ट कर सकते हैं हम अबाउट 50 डिग्री। वेयर एज नॉन टिल्टिंग में क्या है, उसका एक्सिस जो है वो फिक्स है। लेट अस रीड नाउ,
नंबर वन, इन दिस द ड्रम इज कॉनिकल एंड रिवॉल्व अबाउट एन इंक्लाइंड एक्सिस. ठीक है, यानी कि ड्रम क्या था, कॉनिकल था ना, कॉनिकल शेप, और वो रिवॉल्व कर सकता है अकॉर्डिंग टू इज इंक्लाइंड एक्सिस. इसमें क्या था, इसमें भी ड्रम सिलिंड्रिकल था लेकिन रिवॉल्व अबाउट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. यानी कि इसमें क्या था, इसमें ये टिल्ट नहीं कर सकता, ये बस रोटेट, नॉन टिल्टिंग में ये टिल्ट नहीं कर सकता, इट कैन ओनली रोटेट अबाउट इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. यानी कि ये बस ये एक्सिस के ऊपर घूम सकता है, लेकिन इसको हम टिल्ट कर सकते हैं, टिल्ट नहीं कर सकते, बस रोटेट कर सकता है. यही बोल रहा है ये कि ड्रम जो है रिवॉल्व अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस बट इट कैन नॉट बी टिल्टेड. सेकेंड क्या है, ब्लेड्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड द ड्रम सो दैट मटीरियल्स आर कंटिन्यूसली मूव्ड एज द ड्रम रोटेट. ठीक है, तो ब्लेड्स जो है वो इनसाइड है, ड्रम के इनसाइड ही है, और वो सो दैट वो कंटिन्यूसली अच्छे से मिक्स हो. नॉन टिल्टिंग में क्या है, ब्लेड्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड द ड्रम एज द ड्रम रोटेट्स, ब्लेड पिक्स अप द कॉन्क्रीट एंड वेन दे रीच देयर हाइस्ट पॉइंट कॉन्क्रीट ड्रॉप्स एट द बॉटम. इनमें इनमें क्या होता है, इनमें इसमें भी ब्लेड होता है, ठीक है, लेकिन वो ब्लेड जब कॉन्क्रीट डालेंगे तो ब्लेड उसको अच्छे से मिक्स कराएंगे, और जब प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे तो उसको, सॉरी, इस डायरेक्शन से हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ठीक है, तो ब्लेड यहाँ होगा तो ब्लेड उसको पिकअप इंग्रेडिएंट्स को उठा लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब मिक्स हो गया तो वो इस डायरेक्शन पे ले आएंगे डिस्चार्ज करने के लिए, खुद लेकर आएंगे. क्या बोल रहे हैं, ब्लेड्स पिकअप द कॉन्क्रीट एंड वेन दे रीच देयर हाइस्ट पॉइंट इट ड्रॉप्स एट बॉटम. ठीक है, तो इसमें पहले उठाएंगे ब्लेड्स, उसको उठाएंगे, मिक्स होने के बाद उसको ड्रॉप कर देंगे इस साइड. थर्ड क्या है, द ड्रम कैन बी टिल्टेड टू डिफरेंट पोजिशन फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. अभी मैंने बताया राइट, टिल्टिंग में वो घूम सकते हैं, हम इसको टिल्ट कर सकते हैं. वेयर एज कॉन्क्रीट मटीरियल्स आर चार्ज इन टू ड्रम थ्रू वन ओपनिंग एंड डिस्चार्ज थ्रू अदर ओपनिंग. अभी मैंने बताया था राइट, टिल्टिंग में क्या है, यहाँ मिक्सिंग होगा और उसको टिल्ट करेंगे, जैसे देखो यहाँ इस साइड डायरेक्शन पे मिक्स होगा, फिर उसको टिल्ट करके दूसरे डायरेक्शन में फेंक सकते हैं. इसमें क्या होगा, इसमें दो ओपनिंग है, एक से चार्जिंग होगा, दूसरे से डिस्चार्जिंग होगा. कैपेसिटी देखो, कैपेसिटी थोड़ा कम है टिल्टिंग के लिए, 100 टन, 140, 200 टन, और इसके लिए नॉन टिल्टिंग के लिए ज़्यादा है, 2 N0 NT, 2 E0 NT, 400 NT and 800 NT. NT मतलब नॉन टिल्ट, नॉन टन, ठीक है, नॉन टिल्टिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास.